हाय फ्रेंड्स, सहारा किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी टेंगना मछली बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं टेंगना मछली बनाने, तो उसके लिए आधा किलो हमने मछली लिया है और इसको अच्छे से साफ कर लिया है। तब इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, मिला दी इसको ताकि हल्दी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे साइड में कर देते हैं और मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में लिए हैं आधी चम्मच गरम मसाला, इसको हमने कूट लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक पीस सकते हैं। 5 से 7 लाल मिर्च, 1 चम्मच पीली वाली सरसों और ये 2 घाट लहसुन को हमने छील लिया है, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो सबसे पहले इन सब मसालों को पीस लेते हैं। प्याज को भी पीस लेंगे, इसे दरदराई पीसना है, इसे बारीक नहीं करेंगे। मसाले को हमने पीस लिया है, अगर सिलपट पे पीस के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टीदार बनेगा। प्याज को भी हमने दरदराई पीसा है। तब क्या करेंगे कि गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें सरसों का तेल डालें। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें मछली को डाल के फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके ऐसे मछली को डाल दें और नीचे सिक जाने दें। तो जैसे नीचे अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तब इसको पलट देंगे। तो इसके नीचे फ्राई हो चुका है, अब इसको पलट देते हैं और इसको ऐसे ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। गैस को हाई फ्लेम रखें। तो इसी तरह से इसको पलट के हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मछली फ्राई हो गया है, एकदम ब्राउन कलर का। तब इसको निकाल देंगे। इसी तरह से सब मछलियों को फ्राई करके हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो तेल बच गया है इसमें डालेंगे चुटकी भर मेथी दाना, इसे चटकने दें। उसके बाद 2 लाल मिर्च डाल दें और इसे चला के भून लें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने पीस के रखा हुआ है, उसे डाल देंगे और इसे चला के 2 मिनट के लिए भून लें ताकि इसका हल्की सी कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसे हमने 2 मिनट तक भून लिया है। ये आप देख सकते हो ना, इसका कलर चेंज हो गया है। तब इसमें मसाले डाल दें। कटोरे में मसाला लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें पानी लेके डाल देंगे, साथ में ये गरम मसाला भी डाल दें। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच मिला दें इसको और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे, या जब तक भूने तब तक इस तरह से लाल ना हो जाए। आप ध्यान से देखिए कि मैं इसमें क्या कब कब डाल रही हूँ। तो अगर उस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मछली तैयार होगा। अब डालेंगे टमाटर, नमक डालेंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं टमाटर को गलने के लिए। तो इस तरह से मसाले भून के आप टमाटर इसमें डाल के गलाएँगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मछली में। इसे हमने मिला दिया और कवर करके इसको टमाटर को गलने तक भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहें। तो यहाँ पर इसे हमने चला के भून लिया है। ये आप देख सकते हो ना कितने अच्छे से इसमें का टमाटर गल चुका है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने दिया है 1 गिलास पानी, आप अपने खर्चे के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मिला दें इसको अच्छे से ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मिलाने के बाद इसमें मछली को डाल देंगे। तो यहाँ पर सब मछलियों को हमने डाल दिया है। अब इसको एक बार चला के ऐसे मिला लेते हैं ताकि मछली इसमें अच्छे से डूब जाए। तो इस तरह से कर दें। उसके बाद इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये देखिए मछली हमारी तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। उसके बाद इसे कवर कर देंगे और गैस को बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जैसे 2 मिनट के लिए आप रखेंगे ना तो ये धनिया पत्ता अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये मछली अब अच्छे से सेट हो चुका है, अब इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद आप चाहें तो इसको रोटी से या दाल चावल के साथ या बस चावल के साथ आप इसको गर्मा गर्म खाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा ये मछली बन के तैयार हो चुका है। तो ये टेंगना मछली बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।